तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लाइव ट्रेडिंग का एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक लिया था, पी लिया था, पुट लिया था, उसमें 600 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। फिन निफ्टी का मैंने लिया, यहाँ पे 400 रुपये जो है यहाँ पे लॉस चल रहा है। लेकिन गाइस, इसको मैं रिकवर करके दिखाऊंगा, मैं होल्ड करूंगा, एकदम लेट तक होल्ड करूंगा, जाके आपको यहाँ पे रिकवर करके दिखा पाऊँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस क्या थी ये सब तो मैंने दोस्तों लाइव जो लाइव में था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा। जो भी सब्सक्राइबर उनको मालूम होगा, जो न्यू है वो जो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ और लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। वहाँ पे आप दोस्तों मेरे साथ साथ बाई कर सकते हो, मेरे साथ साथ सेल करके प्रॉफिट ले सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्या चल रही है कि मेरे को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साइडवेज थोड़ा रहने वाला है मार्केट, तो मैं यहाँ पे कोई भी लॉट को लेने का नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ पे वैसे भी दोस्तों क्या है कि प्लस माइनस में, मतलब कि यहाँ पे पुट और कॉल दोनों भी है, दोनों ही लॉस में चल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो इस टाइम पे मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता हूँ और मैं एक स्कैल्पर हूँ, हमेशा ध्यान दो, मैं हमेशा स्कैल्पिंग करके पैसा कमाता हूँ। होल्डिंग ज़्यादा देर तक 2 से 3 घंटे की नहीं रहती है मेरी। तो चलो अभी बैंक निफ्टी में तो दोस्तों यहाँ पे साइडवेज ही होने वाला है। यहाँ पे जो इंडिकेटर यहाँ पे जो शो हो रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न जो दिखा रहा है, वो यही बता रहा है कि यहाँ पे जो है आपको अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, 600 रुपये इनफ होता है। अगर आप दोस्तों बिगिनर्स हो और या फिर दोस्तों आपके पास कैपिटल कम है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो यहाँ पे एकदम कम होता है। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब आप ट्रेड को ले सकते हो। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ पहले, तो साइज को इसको बड़ा कर देता हूँ, थिक कर देता हूँ लाइन को, ताकि अच्छे से दिखे आप सबको। और अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ, इसका दूसरा वाला ले लेता हूँ और नीचे इसको यहाँ पे इस वाली जगह पे कर। दोस्तों मैं स्कैल्पर हूँ, देख लो, हाँ एक से दो कैंडल में जो है मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, एक कैंडल में ही ज़्यादा तक जो है यहाँ पे निकल जाता हूँ अपना प्रॉफिट या फिर लॉस लेके। तो यहाँ पे देखो कि ये ट्रेड लाइन में यहाँ पे जो ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, इन दोनों का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का यहाँ पे वेट करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे एक और बैंक निफ्टी का जो है एक या दो लॉट को लूँगा, वो भी दोस्तों 300 के आसपास का मैं लॉट को लेने वाला हूँ, ठीक है, मतलब 300 के आसपास का प्रीमियम रहेगा, उसको ही मैं यहाँ पे लूँगा। तो यही है, अभी 600 का तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख ही रहा है, अभी हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब होगा। तब तक गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं पोजीशन पे। देखो 360 रुपये, 400 रुपये से घट के 350 रुपये में मेरा लॉस आ चुका है। मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ फिन निफ्टी को, और यहाँ पे जो इसकी कल के दिन एक्सपायरी है, तो मैं थोड़ा होल्ड करके देखने वाला हूँ कि क्या इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट बनाना ही है मुझे, कंफर्म है प्रॉफिट, यहाँ से लॉस लेके मैं एग्जिट नहीं होऊंगा, यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट कर। अभी देखो फिन निफ्टी का मैं क्यों होल्ड रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है। अब ये सब चीज़ें भी दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा था लाइव वीडियो पे, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए थे तो आपकी अभी गलती है, आप सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो आप देखो। मैं लाइव ज़्यादातर तभी केस में आता हूँ जब मुझे खुद को मालूम होता है कि कंफर्म ऐसा होने वाला है, आगे इस तरीके से प्राइस जाने वाली है। तो ये बैंक निफ्टी को ही देख रहे हैं, देखो मार्केट जो थोड़ा ऊपर जाने वाला है और यहाँ पे मैं एक और ट्रेड ले लूँगा। ये सब लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ दोस्तों, मैं जब लाइव आता हूँ तब तो आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस अगर नहीं होगा तो मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होने दूंगा, ठीक है, इतना आप विश्वास मेरे ऊपर कर सकते हो। और वैसे मैं कमेंट, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट तो एक मिल रहा है ऊपर की साइड पे, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रेड लेना नहीं है मुझे, मैं तब ट्रेड लूंगा जब मेरे को कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ये तो सिर्फ एक कैंडल बन रहा है, ये नीचे भी आ सकता है, ये कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाए तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचूंगा। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो आप गाइस क्या करो कि आप स्किप करके भी देख सकते हो या फिर 2x पे करके देखो। मेरे को क्या है कि मेरे को आपको सिखाना है और मेरी लॉजिक बताना है कि क्या लॉजिक को देख के मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं लाइव मार्केट में ऐसे लॉजिक बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ पे देखो कि मैंने ऊपर वाली लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ। जैसे ऊपर वाली लाइन ब्रेक होती है, नीचे वाली लाइन अभी जो सपोर्ट है मैंने ड्रॉ किया था उस पर तो अभी जाने से रहा, ऊपर जाने का ये सिग्नल दे रहा है। जैसे इसको ब्रेक मिलता है और एक कंफर्मेशन जैसे ऊपर क्लोज होता है, मैं वहां पे दोस्तों यहां पे अपना जो है प्रॉफिट को, मतलब कि अपना जो लॉट है, फटाफट से एक या दो लॉट वापस से बाय कर लूंगा, जो कि इन द मनी का रहेगा। और उससे भी है जो मैं 500-600 रुपए प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। लालच नहीं करना है, स्कैल्पर है हम, तो स्कैल्पिंग में जो है लालच नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग करो, फटाफट बाहर निकलो। और मेरे साथ ट्रेड करने का यही एक फायदा है कि आप स्कैल्पिंग करके 1 से 2 मिनट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट करके बाहर निकल सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। देखो अभी रेड कलर का वापस यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, देखो मार्केट जो बियरिस का एक कैंडल बनाने में जा रहा है, ठीक है। टाइम क्या है कि टाइम अभी 2 मिनट और है, 2 मिनट में ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस जगह पे अभी जो है जाने वाला है मार्केट, मतलब कि अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब कि बेयरिश होगा या बुलिश होगा, ये अभी थोड़ी देर में, मतलब 2 मिनट पता चल जाएगा। 11:48 अभी हो रहा है, ठीक है।
जैसे ही 11:50 होता है वो कैंडल बन के तैयार हो जाएगा, तो ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे बाय करने का सोचूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि एक कंफर्मेशन भी जरूर चाहिए जो कि एक ऊपर की तरफ पुश हो रहा होगा अगर कोई कैंडल, तो मैं वहाँ पे बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे अभी नहीं लेना ले रहा हूँ मैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यार, क्योंकि यार बहुत चीज़ मिस कर देते हो आप। यहाँ पे अभी देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मार्केट ने जो है दूसरा कैंडल बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का बनते, बस एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक मिनट का टाइम फ्रेम को यहाँ पे जो है सेट किया और यहाँ पे वापस से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। और अभी ये जो है दोस्तों यहाँ पे लगता नहीं है कि ये ऊपर में जो है ये क्लोज होगा। अगर ये ऊपर में क्लोज होता है कन्फर्म यहाँ से मैं 1-2 लॉट और बाई करने वाला हूँ। और हाँ, फिन निफ्टी को अभी हम देखने वाले हैं, फिन निफ्टी को भी आप दिखाऊंगा, उसमें प्रॉफिट कन्फर्म बनेगा ये मुझे मालूम है, मुझे पहले से ही मालूम है कि प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, मेरे कोई सेबी रजिस्टर जो है यहाँ पे एडवाइजर नहीं हूँ, यहाँ पे एक जो है इस जगह पे जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ अगर इसका नीचे का ब्रेकआउट मिला ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कि एक सपोर्ट जो है यहाँ पे टेढ़े साइड से भी एक सपोर्ट ले रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर देखो कैंडल स्टिक बन चुका है, ऊपर क्लोज हुआ है, बाकी दूसरा वाला कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिला जिसकी मैं बातें कर रहा था। दूसरा वाला कैंडल थोड़ा ऊपर ऊपर जाता तो मैं बाई कर सकता था, तो अच्छा हुआ मैंने देखो बाई नहीं किया, वापस रिवर्स हुआ है। और मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, पहले ही आपको बता दिया हूँ, तो स्कैल्पिंग में इतना टाइम इनफ होता है। तो चलो बैक आते हैं, देखो 328 का यहाँ पे माइनस चल रहा है फिन निफ्टी का। इसका मुझे कोई भी डर नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट अभी जो है मुझे पैसा देने वाला है, फिन निफ्टी मुझे पैसा देगा, जो भी देगा 200, 400, 500 ट्रेलिंग करेंगे उसको, एग्जिट नहीं होंगे, उसका कोई टारगेट मैं फिक्स नहीं करूंगा। देखो बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग क्यों करता हूं मैं, क्योंकि मेरा मानना यह कि बहुत ही ज़्यादा ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हो। इसीलिए अगर प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ उसको लेके निकल जाओ, एक स्टॉप लॉस सेट कर लो, जो भी घाटा भी हुआ वो भी ले। देखो यहाँ पे बन तो रहा है एक, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कैंडल बन रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पे मैं अभी लेने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिन निफ्टी को भी देखना है। फिन निफ्टी अभी ऊपर जाएगा इतना मुझे पता है, तो फिन निफ्टी को भी देखना है यहाँ पे। देखो ये क्योंकि पहले क्या ये बियरिस में जा रहा था, नीचे की साइड जा रहा था, रेड कैंडल बनने के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि बायर्स का भी सेलर का भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है। दोस्तों कुछ ही टाइम हुआ है और यहाँ पे देखो कि हमारा 255 रुपये का प्रॉफिट जो है होने लग गया। आपको तभी दिखाया था कि 400-500 का लॉस दिखा रहा था, यहाँ पे देखो 291-92-309 रुपये की प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही, जो कि फिन निफ्टी में यही होता है। अगर सस्पेंस बनाए रखो और आपका अगर दोस्तों तरीका सही है, आपको मालूम है, आपकी स्ट्रेटजी सही है, तो यही होता है दोस्तों, प्रॉफिट जो है बनता ही बनता है। कोई भी आपका प्रॉफिट लेके नहीं जा सकता, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, या फिर निफ्टी हो। 429 रुपए यहां पे आप देख लो कि गाइस यहां पे 651 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बाय किया था 37 रुपए पे, अभी 42 का यहां पे चल रहा है प्राइस, और यहां पे 3 लॉट मैंने बाय किया था, मतलब 120 क्वांटिटी मैंने बाय किया था, 691, 675, 711, 699 रुपये, 705, 691। यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ प्राइस चल रहा है, तो यही होता है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो यही होता है। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने लाइव पे भी बताया था, मैंने तो वीडियो जो है उसी दिन थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बाकी मैंने इस चीज़ को लाइव पे बता दिया था आप सभी को कि ऐसा होने वाला है। मतलब कि एक बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए बोलता हूँ। 700 का यहाँ पे देखो, 700 प्लस भी जा रहा है, फिर 700 से नीचे भी आ रहा है, मेरी बात करते करते यहाँ पे मूवमेंट दे रही है। तो यहीं पे दोस्तों देखो कि आपको ये समझना है, आपको एक ट्रस्ट बनाना मेरे ऊपर कि यहाँ पे किस तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लाइव देख रहे हो, लाइव डेमो 700 क्या 750, देखो यहाँ पे 800 प्लस पे यहाँ प्रॉफिट जा चुका है। देखो ये बहुत ही खुशी मिलती है अगर आप छोटे से पैसे से, कम कैपिटल से अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट करो। दोस्तों इतना प्रॉफिट जो है यह कम नहीं होता, टोटल अगर देखोगे तो 1600 का यहाँ पे गेनिंग मुझे दिखा रहा है। 1500 फिन निफ्टी में ही हो चुका है, बात करते करते तुरंत तुरंत हो रहा है। 999 रुपये का भी प्रॉफिट दिख रहा है, 1035 रुपये का, 1200 पे भी जाने ही वाला है, 1106 जाएगा 200 पे भी। तो यही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अब मैं करने वाला हूँ बुक यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे 1500 रुपये का जो ये यहाँ पे जो है पूरा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। 50 रुपये जो हमारा प्रीमियम जा चुका है, जो कि हमने 37 रुपये का खरीदा था। वैसे भी दोस्तों आज के लिए 2000 प्लस प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है, इनफ है। तो मैं यहाँ से निकलने का सोच रहा हूँ 1400 रुपये, और ये कुछ देर पहले 2000 पार कर गया था खाली की खाली फिन निफ्टी का, सिर्फ फिन निफ्टी का जो है यहाँ पे 2000 पार
पार चला गया था, ये बस थोड़ी देर के बाद का वीडियो। तो दोस्तों यही एनालिसिस आपकी अच्छी है ना, तो आपको दोस्तों प्रॉफिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 1300 1400 का यहाँ पे जो है चल रहा है। और मैं दोस्तों अपने चैनल पे बार बार बताता रहता हूँ कि क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। गाइस यहाँ पे आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हो, टोटल मतलब अभी अभी स्टार्ट ही किए हो ट्रेडिंग, तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा जिससे आप सीख तो अच्छे से ट्रेडिंग कम से कम टाइम पे। और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाया हूं कि 4 से 5 साल का बच्चा भी अगर देखे ना तो सीख मतलब मेरी बातों को समझ पाएगा। तो इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया एकदम अपने लैंग्वेज में, अपने भाइयों के लिए मैं वीडियो बनाया। तो वीडियो को जाओ वॉच करो। और गाइस अगर आपको दोस्तों लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ही लो, क्योंकि यार यहाँ पे क्या होता है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कुछ कुछ करता रहता हूँ। अगर मुझे कंफर्म पता होता है कि जाने वाला है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 45,500 का सी बाय कर लो या फिर पुट बाय कर लो, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन जा पाए और एट ए टाइम आप जो है उसको बाय कर पाओ और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ले पाओ। क्योंकि गाइस मैं भी सुबह के टाइम दोपहर के टाइम पे ही पोस्ट करता हूँ, और दोपहर के टाइम अगर आप ट्रेडर हो तो आप मार्केट में ऑनलाइन तो रहते ही होगे, मार्केट को देखते ही होगे। और तभी के तभी अगर मैसेज आ जाए कि ये वाला बाय करना है, मैंने अगर बता दिया तो आप बाय कर सकते हो बिंदास, वहां से आप प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का बताया था, पूरी एनालिसिस बताई थी जब मैं लाइव आया था, तभी कुछ देर पहले मैं लाइव आया था तो बताया था। तो आप लोग अगर आपने जिसने भी दोस्तों 14 से 15 लोग ही व्यू कर रहे थे, जो भी उसको देख के दोस्तों यहाँ पे बाय किया होगा उसको कन्फर्म प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। और बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू आए, इंस्टाग्राम पे भी थैंक यू आए। तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई भी रिलेटेड इस ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आईडी यहाँ पे डाल दूंगा। और आपको जो भी पूछना हो, जो भी चीज सीखना हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे पे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको ट्रेडिंग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।